पहला प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए आपको पहले हेडिंग डाल लेना पदार्थ, देन इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक ना, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान परिवर्तन का विरोध करती हैं पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल, तो उदाहरण में आप लिखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं पदार्थ के, जितनी सारी चीज़ें आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं वो सब पदार्थ ही है, जैसे जल, हवा, पानी। इसमें एग्जांपल आप दे देंगे, जल हो गया, हवा हो गया, पानी तो वही है, पानी हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई सारी चीज़ें हो जाए, जैसे कुर्सी हो जाए, स्थान परिवर्तन का तो विरोध करेगा ही, ठीक है, स्थान भी घेरेगी, इसमें द्रव्यमान भी होता है, ठीक ना, पेन, पेंसिल, कलम, ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं, किताब हो गया, ये सब पदार्थ ही हैं, ठीक है, किताब, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना, पदार्थ, ये सभी पदार्थ ही हैं, समझ में आ गया। देखो डेफिनेशन देखो, ये सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, तो ये बताइए लकड़ी या हवा स्थान नहीं घेरती, घेरती है ना, जल भी स्थान घेरता है, कहीं भी आप पानी को फ्लो कर दीजिए, बहा दीजिए, तो जितना एरिया उसको लेना है, एक लोटा है तो एक लोटे का एरिया लेगा, एक बाल्टी है तो एक बाल्टी का एरिया लेगा, लेकिन स्थान तो लेगा, ठीक है। और जिनमें द्रव्यमान होता है, यानी भार तो होता है, ठीक है, हवा का भी होता है, जल का भी होता है, लकड़ी का भी होगा, और वे सभी वस्तु जो स्थान परिवर्तन का विरोध करते हैं, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाऊंगी, कुर्सी को आप रख दीजिए, अब वो उसी स्थान पर रहना चाहती है जब हटाया ना जाए, पेन है, किताब है, आदि, हर एक वस्तु, जलवायु हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं, मतलब पदार्थ समझ में आ गया, वे सभी वस्तुएँ जो स्थान घेरेंगी, ठीक है, जिनमें द्रव्यमान होगा और स्थान परिवर्तन का विरोध की, एक स्थान पर अगर हैं तो वहाँ से नहीं जाना चाहेंगे जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, उठाना जाए, रखा ना जाए स्थान पे, ये सही पदार्थ हैं, ठीक है।